बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है यूएसबी टेस्टर, इसके थ्रू आप अपने यूएसबी पोर्ट को चेक कर सकते हो कि कितनी पावर जा रही है, क्या करंट है, क्या वोल्टेज है। ये टेस्टर काम आता है चार्जर को चेक करने के लिए, मोबाइल फोन को चेक करने के लिए, लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट को चेक करने के लिए। तो इस टाइप के टेस्टर्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये काफ़ी पुराना टेस्टर है, मतलब कि पुराने ज़माने का टेस्टर है। आजकल दोस्तों आपको कुछ इस टाइप के टेस्टर भी मिल जाएंगे जो कि लोड के साथ आते हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली लोड को टेस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका चार्जर सही से वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। इवन आप यहाँ पर केबल को भी चेक कर सकते हो और साथ में दोस्तों मोबाइल फ़ोन को भी लगा सकते हो, इस पोर्ट के थ्रू लग जाएगा। तो इस टाइप के टेस्टर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। दोस्तों रिसेंटली आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ इस टाइप के टेस्टर को मार्केट में लॉन्च किया है, जिसके बारे में आप मेरी पुरानी वीडियो में देख चुके होंगे। इस टेस्टर और पुराने टेस्टर में यही फ़र्क है कि यहाँ पर आपको मिल रहा है बड़ा डिस्प्ले, कलरफुल डिस्प्ले और कुछ ज़्यादा फंक्शंस। तो यहाँ पर आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स ने काफ़ी बढ़िया और काफ़ी क्वालिटी वाले टेस्टर्स मार्केट में लॉन्च किए हैं। यह है उनका फर्स्ट जनरेशन UM24C। इसके बाद आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स ने UM25C को लॉन्च किया था। ये टेस्टर इस टेस्टर के मुकाबले में ज़्यादा सुपीरियर है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है USB-C टाइप इनपुट और आउटपुट, मतलब कि आप इसके थ्रू USB-C टाइप केबल को भी चेक कर सकते हो। क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0, एप्पल की चार्जिंग, एंड्रॉयड DCP, इन सभी को भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ ही में आप इस टेस्टर को अपने एंड्रॉयड ऐप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि क्या रीडिंग्स हैं आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते थे। तो यहाँ पर ये दोनों टेस्टर एक से बढ़कर एक टेस्टर हैं। इनकी हेल्प से मैं यूएसबी पोर्ट को, चार्जर को, मोबाइल फ़ोन को, केबल को आराम से चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर एक ही कमी थी इन टेस्टर्स में कि मैं इनके थ्रू वन प्लस की डैश चार्जिंग को चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि जो डैश चार्जिंग होती है वो यूएसबी 3.0 को सपोर्ट करती है, ना कि 2.0। और यहाँ पर ये दोनों टेस्टर आते थे यूएसबी 2.0 इनपुट और आउटपुट के साथ। तो यहाँ पर मैं इसकी हेल्प से डैश चार्जिंग और VOOC चार्जिंग को मॉनिटर या फिर टेस्ट नहीं कर सकता था। रूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉन्च कर दिया है इसका अपग्रेडेड वर्जन। यह है आरडी इलेक्ट्रॉनिक्स का UM34C। तो आइए दोस्तों करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके फीचर्स को और देखते हैं कि कैसे ये चार्जर सुपीरियर है इन दो चार्जर से। मैं हूं डॉक्टर भूवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो डिब्बा दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि UM24-25 का था। यहाँ पर दो वेरिएंट में ये प्रोडक्ट आता है, UM34 और 34C। 34 मतलब कि नॉन कम्युनिकेशन वर्जन, थोड़ा सा सस्ता है। मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि अगर आप खरीद रहे हो तो UM34C लें, क्योंकि ये जो टेस्टर है ये आपके एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि आप डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस टेस्टर को कंट्रोल या मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है UM34C। तो पैकेजिंग बिल्कुल वैसी है जैसे कि 24-25 की थी। चलिए दोस्तों करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर प्लास्टिक की पैकेजिंग है, आइए इसको निकाल देते हैं, ढक्कन उठाते हैं और सबसे पहले मुझे मिल जाएगा एक छोटा सा स्टिकर जिसके अंदर मॉडल लिखा हुआ है। बताया गया है कि ये यूएसबी कलर डिस्प्ले टेस्टर है, रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये प्रोडक्ट है, मॉडल है UM34C। और इस QR कोड को स्कैन करके आप एप्लीकेशन और यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। और पीछे बिल्कुल सेम चीज़ आपको चाइनीज लैंग्वेज में मिल जाएगी। आइए इसको साइड में रखते हैं और निकालते हैं प्रोडक्ट को बाहर। तो ये है UM34C। मैंने आपको बताया था कि मैंने कम्युनिकेशन वर्जन मंगवाया है और इसी वजह से आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन ऑफ स्विच भी मिल जाएगा। बाकी ये दो फिजिकल बटन्स हैं जिसके ज़रिए आप मेन्यू में स्विच कर सकते हो, ऐसे दो फिजिकल बटन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक USB-C टाइप इनपुट पोर्ट है यहाँ पर इस टेस्टर में, एज़ कम्पेयर टू UM25 आउटपुट में C टाइप पोर्ट नहीं है। और इस साइड आपको माइक्रो USB इनपुट पोर्ट भी मिल जाएगा, ये है USB 3.0 सपोर्टेड A टाइप USB पोर्ट, जिसके ज़रिए आप इस टेस्टर को अपने चार्जर में या फिर USB पोर्ट में लगा सकते हो। और ये है आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पर फिजिकल ओवरव्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि UM25-24 का था, बस दोस्तों यहाँ पर आउटपुट में C टाइप पोर्ट नहीं है। तो दोस्तों ये है इसका डिज़ाइन, बाकी
इस टेस्टर को कैसे यूज करते हैं, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन पढ़ लेते हैं। UM34C आता है 1.44 इंच के कलर डिस्प्ले के साथ, 4 से लेकर 24 वोल्ट तक मेजर कर सकता है विद एक्यूरेसी ऑफ 0.01 वोल्ट, करंट 0 से 4 एम्पियर तक विद एक्यूरेसी ऑफ 1 मिली एम्पियर, कैपेसिटी ये स्टोर कर सकता है 0 से लेकर 100,000 मिली एम्पियर आवर तक विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.2%, एनर्जी ये एक्युमुलेट कर सकता है 0 से लेकर 1000 वाट आवर तक, लोड इंपीडेंस ये दिखा सकता है 0.8 ओम से लेकर 10,000 ओम तक, रिफ्रेश रेट है 2 हर्ट्ज का, और ये टेस्टर आपका क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 2.0, 3.0, एप्पल की 2.4 एम्पियर, 2.1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, एंड्रॉइड DCP और साथ में वन प्लस की डैश चार्जिंग और ओप्पो की VOC चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो टेस्टर दोस्तों नो डाउट एज कम्पेयर टू UM25C अपग्रेडेड है, और इस टेस्टर को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आइए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 वाले अडेप्टर के साथ इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। रूडिंग का लोगो मिलेगा, USB मीटर, UM34C और रिविजन आप देख सकते हो बूट स्क्रीन पर। तो ये है इसकी होम स्क्रीन, और इस होम स्क्रीन पर आप वोल्टेज एम्पियर डायरेक्ट रीड कर सकते हो, साथ में कितने एम्पियर आवर, कितने वाट आवर यहाँ पर स्टोर हुए हैं ये भी देख सकते हो, कितनी पावर इस समय जा रही है और कितना लोड इम्पीडेंस है, आप सब कुछ यहाँ पर मेजर कर सकते हो। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मेमोरी ग्रुप भी है, जैसे कि इस समय जो भी डाटा है वो 0 मेमोरी ग्रुप में स्टोर हो रहा है, और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इस नेक्स्ट बटन को टैप एंड होल्ड कर लीजिए, तो इसको टैप करके आप ग्रुप को स्विच कर सकते हो, और ऊपर की साइड को आपको करंट टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये है इसकी होम स्क्रीन। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको D+, D- लाइन पर कितनी वोल्टेजेस हैं वो भी देखने को मिल जाएंगी, साथ में किस चार्जिंग टेक्निक को आपका लोड सपोर्ट कर रहा है आप यहां पर पढ़ सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एप्पल 2.4 एम्पियर पर दिखाएगा, तो जैसे आप यहां पर अपना लोड कनेक्ट करोगे या फिर फ़ोन कनेक्ट करोगे, साथ में कंपेटेबल एडेप्टर लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन किस चार्जिंग टेक्निक को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको टोटल एम्पियर आवर और कितने वाट आवर स्टोर हुए हैं इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, और साथ में थ्रेशहोल्ड सेट कर सकते हो। थ्रेशहोल्ड सेट करने के लिए आप इस नेक्स्ट बटन को टैप एंड होल्ड कर लीजिए, और यहाँ पर आप मार्कर दे सकते हो, और इस बटन को प्रेस करके आप यहाँ पर रीडिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो करंटली मैं इसको 0.1 एम्पियर पर सेट कर देता हूँ, और बाद में नेक्स्ट बटन को टैप एंड होल्ड करके डाटा स्टोर कर देते हैं। तो ये है दोस्तों इसका एम्पियर आवर और वाट आवर की रिकॉर्डिंग स्क्रीन। अब इसके नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मिल जाएगा केबल इम्पीडेंस मेनू, मतलब कि आप अपनी डाटा केबल के इम्पीडेंस को भी मेजर कर सकते हो। पहले आपको विदाउट केबल डायरेक्टली चार्जर को इस एडेप्टर के साथ कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद इस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो ये अब विदाउट केबल रीडिंग ले चुका है, और उसके बाद अब आप केबल के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, आइदर बाई आप माइक्रो USB एंड या फिर USB-C टाइप एंड। तो जो भी आपकी केबल है आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद ये डायरेक्टली बूट होके वहीं पहुँचेगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन को टैप एंड होल्ड कर दीजिए, तो आपको केबल का इम्पीडेंस मिल जाएगा। तो करंटली केबल का इम्पीडेंस है 0 ओम, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है, जैसे मैं लोड कनेक्ट करूंगा तो यकीनन ये इम्पीडेंस आपका बढ़ जाएगा। और इसकी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको करंट और वोल्टेज का ग्राफ मिल जाएगा। आपके रेफरेंस के लिए एक लोड लगा देता हूं, और देख सकते हो कि जैसे मैंने लोड को ऑन करूंगा तो करंट और वोल्टेज की जो रीडिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना करंट और कितना वोल्टेज यहाँ पर लोड पर जा रहा है, आप यहाँ पर डायरेक्टली उसको वेरी होते हुए भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी आप डाटा दे सकते हो। और नेक्स्ट स्क्रीन में आप टोटल स्क्रीन ऑन टाइम, ब्राइटनेस लेवल, सेंटीग्रेड फारेनहाइट स्केल और कलर ऑप्शन को सेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हैं इसके कुछ मीनूस, और मैं कहूँगा कि जो एक USB टेस्टर में होना चाहिए सब कुछ आपको इस टेस्टर में देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो टेस्टर है ये डैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ इस डैश चार्जर को, और ये आउटपुट में 4 एम्पियर तक दे सकता है, और साथ में दोस्तों मैं यूज़ करूँगा अपना 1+6। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं इस एडेप्टर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे मैं एडेप्टर को लगाता हूँ तो 5 वोल्ट ये बता रहा है जो चार्जर यहाँ पर आउटपुट में दे रहा है। आइए दोस्तों
अब वन प्लस सिक्स को कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर दिए है और डैश चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और साथ ही में डिस्प्ले भी ऑफ हो गया, क्यों? क्योंकि दोस्तों वोल्टेज गिर चुकी है और इसी वजह से अडेप्टर ऑफ हो गया है। अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट में ये अडेप्टर इस समय दे रहा है 4.5 वोल्ट और कितना करंट, 3.49। तो डेफिनेटली ये जो टेस्टर है ये डैश चार्जिंग को भी चेक कर सकता है। ऑल्दो यहाँ पर जो मोड है वो अननोन या फिर क्विसी 2.0 में बार बार स्विच कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा। बस आप करंट की रेटिंग से चेक कर सकते हो कि इस समय जो चार्जिंग हो रही है वो डैश चार्जिंग हो रही है और डैश चार्जिंग में कितनी वोल्टेज जा रही है और क्या करंट है उसको भी मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों देखा आपने कि ये जो टेस्टर है ये डैश चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि पहला टेस्टर जो कि डैश चार्जिंग में कितनी करंट जा रही है, क्या वोल्टेज जा रही है उसको मेजर कर सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस टेस्टर ये टेस्टर काफ़ी बढ़िया है, तो मैं इस टेस्टर को रेकमेंड करूंगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको Redmi Note 5 Pro को चार्ज करके दिखा देता हूं। तो इस समय मैंने Redmi Note 5 Pro लगा दिया है और दोस्तों चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हो कि इस समय जो वोल्टेज है वो है 5.17 वोल्ट और करंट है 1.4 वोल्ट। और नेक्स्ट स्क्रीन में आप मोड देख सकते हो, तो इस समय क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0 ऑन है, मतलब कि Redmi Note 5 Pro क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0 को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप Apple की 2.4, 2.1, 1.5 एम्पियर साथ में Android DCP और Oppo की VOOC चार्जिंग को भी टेस्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस टेस्टर को अपने Android फ़ोन के साथ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पार्ट को डाउनलोड करना होगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए मुझे ब्लूटूथ बटन को ऑन करना होगा, तो ऑलरेडी ये ऑन पोजीशन पर है। तो आइए दोस्तों ब्लूटूथ को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे नई डिवाइस के लिए स्कैन करना होगा, तो डिपेंडिंग अपॉन योर एंड्रॉयड वर्जन आइदर जो डिवाइस है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी, नहीं तो दोस्तों आप जो ब्लूटूथ का पेयरिंग सेटिंग है आप उसमें भी जाके डिवाइस को सर्च कर सकते हो। तो देखो तो कि समय UM34C दिख गया है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस बार UM34 से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस समय जो डिस्प्ले पर रीडिंग है डायरेक्टली मैं इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी इस टेस्टर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर डाटा ग्रुप अगर आपको चेंज करना है आप चेंज कर लीजिए, ब्राइटनेस, स्क्रीन ऑन टाइम, ऑफ टाइम, सब कुछ यहाँ पर आप सेटिंग मेनू में कर सकते हो, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और साथ ही में दोस्तों आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो, डाटा को स्टोर कर सकते हो, इवन अगर आपको डाटा को एक्सपोर्ट करना है तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर UM34C एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी और इस एक्सेल फाइल में आपको टाइम, वोल्टेज, करंट, D+, D- वोल्टेज, डेट सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई प्लॉटिंग करनी है या फिर अपने क्लाइंट को डाटा सेंड करना है तो आप उसको भी स्टोर करके सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट इस टेस्टर का सबसे बड़ा पॉइंट है और दूसरा पॉइंट कि ये डैश चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो मैं कहूँगा कि UM34C अभी तक का सबसे बढ़िया USB टेस्टर है और अगर आप कोई बढ़िया USB टेस्टर सर्च कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको UM34C लेना चाहिए और डेफिनेटली अभी तक का ये बेस्ट USB टेस्टर है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये USB टेस्टर मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।